जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी कमर कस ली है, लेकिन उनकी और सिंहासन के बीच एक रोड़ा है, महाभियोग। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच औपचारिक तौर पर शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डेमोक्रेट्स नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए समर्थन जुटाने की यह पहली औपचारिक कोशिश है। हालांकि इस प्रस्ताव का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मंजूरी दी गई है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जांच सार्वजनिक चरण में पहुंचेगी। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव की निंदा की है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लाए गए प्रस्ताव को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा विच हंट बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की पड़ताल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश की।